কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, সংবিধান আমাদের আর্টিকেল 25 এ বলছে ফ্রিডম টু প্রিচ প্রফেস অ্যান্ড প্রপোগেট ওয়ান রিলিজিয়ন। এইটা আমাদের একটা সাংবিধানিক অধিকার, যে সাংবিধানিক অধিকার আমাদের বলছে যে আমরা হচ্ছি যে কোনো ধর্ম, যেটা আমাদের ধর্মমত আছে সেই ধর্মমতকে আমরা পালন করতে পারবো, প্রপাগেট মানে অন্যদের মধ্যেও সেটাকে বিস্তারিত করতে পারবো, অ্যান্ড প্রফেস এবং সেটাকে বলতে পারবো যে আমি এই ধর্ম অবলম্বন করি, আমার এই ধর্ম তোমরাও ফলো করো, তোমরাও এসো। এইটা আমাদের হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল রাইট, সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু এই সাংবিধানিক অধিকারকে নিয়ে কীভাবে ছেলে খেলা করছে, কীভাবে এই সাংবিধানিক অধিকারের যে অধিকারটা আছে সেই অধিকারটাকে ভঙ্গ করছে, দেখুন এই ভিডিওতে। कौन से धर्म से हो आप? सर मैं क्रिश्चियनिटी से। क्रिश्चियन से? आपके पापा का नाम बताओ। सर सुलेमान। सुलेमान, सुलेमान कौन सी जाति के होते हैं? सर क्रिश्चियन। क्रिश्चियन, कहाँ से हो आप? सर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। आपके दादा का नाम क्या है? सर दादा का नाम बताओ मेरे को क्लियर। सर उनका नाम थॉमस है। थॉमस है? हाँ जी सर। थॉमस है। दादा कहाँ से है? सर वो देहरादून से। देहरादून से। और आपके परदादा? आपके उनका तो सर मुझे नहीं पता। आपको मतलब आपका अतीत नहीं पता? एक मिनट रुको। कोई बात नहीं, आप मेरे को क्लियर करो, मैं ये आपका धर्म अपनाऊंगा। आप रात को 11 बजे क्यों आप ऐसा कर रहे हो? आपको पूरा दिन पड़ा हुआ है, सुबह भी प्रचार किया। ऐसा है, ये प्रचार यहाँ पे नहीं करना भाई साहब। हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा आप लोग हो, इतने मुस्लिम नहीं है जितने आप लोग हो, समझ रहे हो? हमें आज आपको छोड़ रहा हूँ, सुनो, मैं ये लाइव चल रहा है पूरे भारत में, आपको छोड़ रहा हूँ मैं, आगे से टांग तोड़ूंगा भाई साहब, चाहे मेरा फांसी हो जाए। हमारे धर्म के प्रति इतने समर्पित हैं, ये बंद करो, तुम्हें ना अपने धर्म तक रखो। हम आपके घर पे जाते हैं क्या? आप रामायण करो भाई साहब, गलत बोल रहा हूँ मैं आपके घर जाता हूँ क्या? आप रामायण, आप मेरी बात सुनो, मैं आपके घर जाता हूँ या पर्चे बांटता हूँ, क्यों कर रहे हो? अगर आपका, अरे आपका धर्म इतना बढ़िया, आपका धर्म इतना बढ़िया है तो आपको बांटने की क्या जरूरत है यार? हम जाएंगे ना आपके घर पे यार, हम बोलेंगे ना बाइबल को आपको। यार अपना जो भी आपका धर्म, आप अपने सिस्टम में रहो, आप हमारे भारत के लिए खतरा हो और आप अपने सिस्टम में रहो। हाँ समझ में आ गई। दोबारा अभी ये जितने भाई लोग हैं इनको मैं बोल के आया हूँ यहाँ पे, जितने मंदिर मिल गया ना तो देख लेना। आपके क्रिश्चियन मैं मेरे को पता है आपका जहाँ झंडा सेट है, ये एक बड़ी चाल है पूरे भारत के खिलाफ, ठीक है? ये चाल 1% कामयाब नहीं होने देंगे जब तक हमारे जैसे हिंदुत्व बैठे हैं। मैं अभी एसएचओ को फोन करके 2 मिनट आपको अंदर करवा दूंगा। ये जो आप, ये हमारे धर्म के खिलाफ हो रहा है, हमें नहीं चाहिए एक भी आदमी। और मेरे को पता है मात्र 50,000 के लिए, अरे सिख है, सिख होगा, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, हमें अपने धर्म का पता है, आप दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते। क्यों बांट रहे हो पैम्फलेट? इतने बढ़िया तो आप क्यों बांट रहे हो? दो मिनट लगे, दूसरे तरीके से कर देता हूँ, बोल। हाँ निकाल जबरदस्ती तो ना, हाँ और बंद कर दो यहाँ पे, आप इनके सीरियन होगा, आप सीनियर यहाँ पे चला जाओ अपने घर जाके। जो भी है पूछा, किससे पूछा था? बुला, किसको पूछा? चल बुला के लिया, जब बुला के लिया किसको पूछा था? तो फिर यार कैसे बोला तू, यार कैसे बोल रहा तू? दोबारा दिख क्या मैं बोलू, कम का मारू ज्यादा का, समझ में आ गई तेरे? इनके औकात देख लो सबकी, इनके शकल देख लो, ये है 3 आदमी जो धर्म के खिलाफ। क्या है नाम तेरा रे? संजय। तेरे दादा का नाम क्या है? कहाँ का है तू? एक मिनट रुको भाई जी, एक मिनट कहाँ का है तू रे? तेरे बाप का नाम क्या नाम है? तेरे बाप का नंबर दे। और तू ये क्या कर रहा है? तेरे बाप को पता है इस चीज का? क्या कर रहा तू अपने धर्म की ऐसी कर रहा है? एक मिनट ले चल तू, डीटी चल। नहीं नहीं रुको रुको, क्या कर रहा तू? हंस रहा ऊपर से? हेलो, इसका मतलब समझे होगे? साला शर्म कर। বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে কিছু মানুষ, কিছু মানে সাম্প্রদায়িক মানুষ এইভাবে আমাদের হচ্ছে যারা হচ্ছে মাইনরিটি ধর্ম তাদেরকে বিভিন্ন রকমভাবে হ্যারাসমেন্ট করছে। আর্টিকেল 25 যে সাংবিধানিক অধিকার আমাদের দেওয়া হয়েছে, সেই সাংবিধানিক অধিকারকে মানে নস্যাৎ করার একরকম একটা প্রোপাগান্ডা চলছে, কোনো রকম সংবিধানের তোয়াক্কা না করে। একটা মানুষ সে তার নিজের ধর্ম প্রপাগেট করতে পারে, প্রফেস করতে পারে, প্রিচ করতে পারে, অর্থাৎ সে তার ধর্ম বিস্তারিত করতে পারে, বলতে পারে যে আমি এই ধর্ম পালন করি এবং সেই ধর্মকে সময়ের মধ্যে সেটাকে ছড়িয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করতে পারে, এবং সেটা টোটালি হচ্ছে সাংবিধানিক অধিকার। সেই অধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এইরকম সাম্প্রদায়িক কিছু
মানুষ এবং দল তারা কিন্তু ভারতে হচ্ছে চারিদিকে একটা হিংসার বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে। চলুন বন্ধুরা এই ভিডিওটাকে ভাইরাল করি এবং এইসব মানুষদের যাতে যথাযথ শাস্তি হয় সেই দাবি আমরা সরকারের কাছে তুলি। চলুন, আর শেষ করার আগে আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের পছন্দ হয়, ভালো লাগে, প্লিজ 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 শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আপনার একটি সাবস্ক্রিপশান আমার জন্য আরও মোটিভেশন নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করার। ধন্যবাদ। ইফ ইউ হ্যাভ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, শেয়ার ইট অ্যামং ইউর ফ্রেন্ডস, কমেন্ট অন ইট অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অন ইউটিউব।